जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि YouTube के व्यूअर्स पे आई बटन पे वीडियो कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद गूगल क्रोम ओपन करके हमें अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेंगे। मैंने पहले से ही वो कहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने अपना YouTube स्टूडियो ओपन कर रखा है, तो आप भी ओपन कर लें। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा वीडियो मैनेजर का, उस पर हम क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं वीडियो मैनेजर पे। वीडियो मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो सारे वीडियो शो कर जाएंगे, जिस वीडियो पे आपको आई बटन पे वीडियो लगाना है उसका क्लिक करेंगे। चलिए मैं इस वीडियो को क्लिक कर ले रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। चलिए ऐसा इंटरफेस खुल के जब आप वीडियो पे क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे बहुत सारी आप सेटिंग्स कर सकते हो। तो हमें आई बटन पे वीडियो लगाना है तो हमें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा आई कार्ड करके, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जो नीचे दिख रहा है टाइमिंग, वो टाइमिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपको किस टाइम पे आप आई बटन शो कराना चाहते हो ऑटोमेटिकली। जब उतना टाइम जो व्यूअर है वो प्ले करेगा और जिस टाइम पर सेट की और सजेस्ट करके शो हो जाएगा। चलिए मैं 1:30 सेलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब 1:30 सेकेंड मुझे इस टाइम पे ऑटोमेटिकली आई बटन को शो कराना है। चलिए दोस्तों, अगर आप मोबाइल पे यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना चाहते हैं बिल्कुल कंप्यूटर जैसे, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बताया है कि मोबाइल पे एक कंप्यूटर जैसा यूट्यूब स्टूडियो कैसे ओपन करें, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो सेम ऐसा ही प्रोसेस करें या मोबाइल पर भी। चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन आ रहा ऐड कार्ड का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक और नीचे खुल के, क्रिएट और प्लेलिस्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखिए दोस्तों, जिस वीडियो को आप लगाना चाहते हो आई बटन पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे, या तो नीचे लिंक डाल सकते हो जिस वीडियो का आप सेव करना चाहते हो। चलिए मैं इस वीडियो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ एग्जाम्पल में। चलिए मैंने इस वीडियो सेलेक्ट कर लिया है, ये ऑटोमेटिकली हो गया। जब 1:30 प्ले करेगा व्यूअर तो ऑटोमेटिकली शो कर जाएगा। देखिए जैसा कि यहाँ शो कर रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ऊपर आई बटन पे मैं और भी वो के लिंक डाल दूँगा जो अगर आपके कोई काम आ सके तो आप उसको ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही आप किसी भी वीडियो पे लगा सकते हैं सेम प्रोसेस। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि हमारा चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।